जयपुर में सरेआम एक लड़की को कुचलकर मार देने की घटना ने हर किसी को झकझोर दिया है। इस घटना पर विपक्ष सरकार पर फिर हमलावर हो गई है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने एक बार फिर से राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। खाचरियावास ने इस घटना पर भजनलाल सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सरकार कम से कम अपना धर्म तो निभाए। और क्या कुछ कहा दिखाते हैं आपको। जयपुर में और पूरे देश में जब चुनाव हुए, विधानसभा के राजस्थान में जब चुनाव हुए, तब बीजेपी ने मुद्दा बनाया कानून व्यवस्था को। झूठ फरेब और धोखे के आधार पर बीजेपी राजस्थान में सत्ता में आ गई। हिंदू मुसलमान के मुद्दों पर मंदिर मस्जिद मजार सब बना दिए और कह दिया कि मस्जिद और मजारे बन रही है। कहां बन रही थी? अब बीजेपी वालों को शर्म नहीं आ रही? कल राजधानी जयपुर में सरेआम एक लड़की को कुचलकर मार दिया, यह आपकी कानूनी व्यवस्था है? सुबह 5 बजे शराब पीकर लोग गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, एक लड़की को कुचलकर मार रहे हैं और राजस्थान की सरकार हेलीकॉप्टर में घूम रही है। हनीमून इनका खत्म नहीं हो रहा सरकार का। इनके 25 दिन से ज्यादा हो गए सरकार को। कानून व्यवस्था को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, करप्शन को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते थे। कहां है बीजेपी की सरकार? कहां है बीजेपी के नेता? बीजेपी राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं। अरे भाई साहब, हम हार गए चुनाव, हमने हार स्वीकार कर ली, और लेकिन सरकार में हम तो है नहीं। हम हार गए, हमको आपने घर पे बैठा दिया, लेकिन आप कम से कम आपका धर्म तो निभाइए।